नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज होने वाला है, जिसके लिए भारत ने BCCI ने अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दिया है अभी से, और बता दिया है कि ये वो 11 खिलाड़ी हैं और ये वो 15 सदस्य टीम है जो कि वर्ल्ड कप में खेलने वाली है आने वाले समय में। अगर आप भी जानना चाहते हो इस न्यूज़ के बारे में कि भाई पूरी खबर क्या है, किस किस खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है इस बार T20 वर्ल्ड कप 2021 में, और किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है BCCI ने, अगर आप भी जानना चाहते हो पूरी खबर के बारे में, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पर भारत और इंग्लैंड को 4 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में 5 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। उसके बाद दोस्तों 19 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में IPL के बचे हुए 31 मुकाबलों का आयोजन हो जाएगा UAE में। IPL के जस्ट बाद UAE और ओमान में 17 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन हो जाएगा, जिसके लिए दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग की बात करें कि भारत की ओर से ओपनिंग कौन कौन करने वाला है। यहां पर दोस्तों आपको ओपनिंग में रोहित शर्मा तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, और रोहित शर्मा के साथ आपको ना तो शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, और ना ही इस टीम में श्रेयस अय्यर खेलने वाले हैं, और ना ही पृथ्वी शो को मौका मिलने वाला है। सबसे पहले आपको KL राहुल के साथ रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। ये फैसला कितना सही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि भाई ओपनिंग KL राहुल के साथ रोहित शर्मा को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर की बात करें तो 3 नंबर पे विराट कोहली आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला है, सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे मौका मिला है, सूर्य कुमार यादव आपको 4 नंबर पे खेलते नजर आएंगे। और अब 5 नंबर पे विकेट कीपर आपको खेलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो ईशान किशन हो सकता है या फिर ऋषभ पंत हो सकता है। वैसे आपके हिसाब से कौन सा विकेट कीपर बेस्ट है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए इंडिया के लिए, ईशान किशन या फिर ऋषभ पंत, इस बात का जवाब भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक पांड्या का नंबर आ जाता है, 6 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। 7 नंबर पे जड्डू आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर पे दीपक चहर हैं, और फिर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह है 9 नंबर पे, 10 नंबर पे मोहम्मद शमी, और आखिरी में यूजी चहल यानी कि युजवेंद्र चहल आपको गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। तो गाइस, ये है भारत की प्लेइंग 11 जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में उतरने वाली है। ये टीम जहीर खान ने बनाई है, और जहीर खान का दावा है कि अगर ये टीम उतरी तो भारत जरूर T20 वर्ल्ड कप 2021 का दावेदार बन जाएगा। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतनी था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए YouTube News 24।